सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनारसी यादें में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में और उनके द्वारा की गई एक विशेष घोषणा के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कुछ लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे आरोप उन पर लगा रहे हैं, लेकिन इन सब बात के बावजूद शास्त्री जी पीछे नहीं हटे हैं और सबका करारा जवाब दिया है। दोस्तों, शास्त्री जी हमारे सनातन को लेकर भारतवासियों को धर्म के बारे में जागरूक कर रहे हैं और एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और हम सभी उनका साथ भी दे रहे हैं। दोस्तों, हर सनातनी उनके सपोर्ट में खड़ा है। इन सब के बीच शास्त्री जी ने एक बार फिर एक बड़ी घोषणा की। दोस्तों, उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार ने एक घोषणा की है, धाम के आयोजन की जानकारी दी है और लोगों को वहां आने के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह आयोजन 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक होगा। दोस्तों, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और वो सब कार्यक्रम भी आगे बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। दोस्तों, इस आयोजन की खास बात यह है कि जहां एक तरफ महायज्ञ होगा, वहीं दूसरी तरफ 121 कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। दोस्तों, विवाह कराना हिंदू मान्यताओं के अनुसार और अन्य धर्म में भी बड़ा पुण्य का काम होता है, तो एक पुण्य का काम है, पूजनीय कार्य है, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा कराया जा रहा है। इस आयोजन में हजारों की संख्या में साधु संत और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यानी भक्त लोग मौजूद होंगे। दोस्तों, इस आयोजन की एक खास बात यह भी है कि एक तरफ तो कार्यक्रम होगा, दूसरी तरफ कार्यक्रम में वृंदावन के कलाकार रासलीला भी करेंगे और तीसरी तरफ महाशिवरात्रि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। दोस्तों, बड़ा मज़ेदार कार्यक्रम है ये। आप सभी को जाते जाते एक बात और बताते चले कि दो दिन मतलब 15 तारीख और 16 तारीख को बिना टोकन के दरबार भी लगेंगे। दोस्तों, तो जो जिन्होंने मौका खो दिया या जिनका अर्जी नहीं लग पाया है, वो इस दरबार को शामिल हो जाए और बिना टोकन के अपनी बात कह सकते हैं उनसे, आप ठीक है, उनसे वार्तालाप आप कर सकते हैं। और यह आयोजन देखिए दोस्तों, छतरपुर जिले के गांव में होगा। दोस्तों, तो जानकारी इतनी ही थी, इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था, सोचा मैंने आप लोगों को इससे अवगत करा दूं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है बनारसी यादें, उस पर सपोर्ट दिखाएं और कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले अपडेट से। बाय बाय।